अभी हम निकल रहे हैं नमाज के लिए। सारे लोग जो है नमाज के लिए जा रहे हैं, सारी औरतों की जमात है, लेडीज पीते चाय पीते हैं और थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता करते हैं। और सुबह सुबह ये हमारा नाश्ता आ चुका है। हाँ, तो अब खूबसूरत लग रही है, टर्न करो। गाइस ले लिया, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। तो अब जो है बारिश आ रहा है, इस तरीके के चॉपर्स मिले हैं, डॉल हाउस लेकर आई थी, उसको रेडी कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समना व्लॉग। कैसे हो सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरे से हूँ। और हम लोग जो है, आज ईद है तो ईद की नमाज के लिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। प्यारी सी रईसू जो है यहाँ पर तैयार होकर बैठी है। अभी हम निकल रहे हैं नमाज के लिए, तो चलिए आगे जाकर नमाज पढ़कर आप लोगों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ईद उज़ ज़ुहा की आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। तो अभी आ गए हैं नमाज की जगह पर, जा रहे हैं। सारे लोग जो है, बहुत सारा रश हुआ है, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, सारे लोग जो है नमाज के लिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी करके। इधर जगह नहीं है अभी बाइक पार्क करने के लिए भी, चल के जाने के लिए भी। तो अभी नमाज हो गई है और दुआ हो रही है। सारी औरतों की जमात है, लेडीज की है, अभी दुआ हो रही है। और उस तरफ जो है जेंट्स की है। तो नमाज पढ़ के सुबह सुबह अभी आ गए हैं हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए। ये देखो, मैं, मेरी बहन और रईसा है मेरे साथ। तो चलिए चाय पीते हैं और थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता करते हैं। पीछे मेरे ये सारी होटल हैं, जाके मैं ऑर्डर दूंगी अभी। तो अभी मेरा ऑर्डर गया हुआ है, चाय का मैंने यहाँ दे दिया। और ये मसाला डोसे का यहाँ पर लेते हैं, इसलिए ये दही वड़ा है और प्लेन वड़ा है, पूरी और भी बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें है। वहाँ पर मसाला डोसा बन रहा है। और सुबह सुबह ये हमारा नाश्ता आ चुका है। रईसा ने इडली लिया है, आपा ने मसाला डोसा और मैंने वड़ा लिया है, चाय का भी ऑर्डर दिया है। तो चलिए थोड़ा सा लाइट नाश्ता कर लेते हैं अभी। तो अभी यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म हमारी सुबह की चाय, मैंने आपा ने दिया है, हमारा नाश्ता हो गया। रईसा अभी भी थोड़ी इडली बची है, खा रही है, चलिए चाय पीते हैं। तो अभी हम घर को आ चुके हैं, ये हमारे अब्बा हैं। अब्बा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, तो अब्बा को ईद मुबारक। यहाँ पर जैनू और अजरू है, अजरू को ईद मुबारक। रईसू और भी यहाँ पर देखो, रईसू प्यारी सी परी, ये देखो हमारी रईसू कितनी खूबसूरत लग रही है, आज टर्न करो, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है रईसू माँ। तो अभी शाम का टाइम हुआ है, 7 o'clock हो गए हैं। मैं और रईसू जो है तैयार हो गए हैं, अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। रईसू का मूड ऑफ हो गया है क्योंकि सुबह से वो कहीं नहीं गई थी। मेरे देवरानी देवर बच्चे सारे आए थे, इसलिए मैं घर में ही थी। आज कुकिंग किया और लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए कहीं बाहर निकली नहीं थी। इसलिए अभी निकल रही हूँ रईसू को लेकर, जा रही हूँ मॉल को, उसकी विशा मॉल जाने की। तो थोड़ी देर मॉल को उसको लेकर जाकर थोड़ा गेम्स वगैरह कुछ खिला पिला कर लेके आ जो है। अभी आ चुके हैं मॉल को, एलिमेंट मॉल को, नियरेस्ट ही पड़ता है हमारे। तो अभी सबसे पहले आइस नज़र आ गई रईसू को, जैसे लिफ्ट से उतरे हैं। तो चलिए कुछ खिला देते हैं, आइस ले लिया। अभी मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि बाहर कुछ बच्चों का गेम्स डाला है। कि इस ग्राउंड फ्लोर में ये चहल पहल है, ये सारा मॉल है। और यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज डाले हैं, कुछ इयर रिंग्स वगैरह, और ये सिंपल से चेन डॉलर्स का सेट, ये सारा कुछ। तो ये बाहर का मॉल का कुछ व्यू है। और आगे देखिए, यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कुछ बनाया गया है, लेकिन जो है यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। ये सारी देखो, अभी रईसू क्या करोगी, बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, है बाहर ही खेलना पड़ेगा उसमें। ये जंपिंग है और ये बच्चों का भी स्लाइड बाउंसर है, 60 rupees पर हेड है 10 minutes के लिए। और ये सारा कुछ बाहर का व्यू है, कुछ इस तरह का मॉल का। तो अब जो है बारिश आ रहा है, इसलिए उसके अंदर मैं अगर रईसू को टिकट करा के भेजती भी हूँ तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अंदर चलते हैं। कोई एक्टिविटीज़ है तो रईसू को देखकर वहाँ पर खिलाऊंगी। तो ये सारा बाहर का व्यू है एलिमेंट मॉल का, ये कुछ इस तरह का है, शाम में इस तरह का नज़र आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी जो है हम लोग मॉल घूम रहे हैं और यहाँ पर रईसू ने थोड़े से रील्स बनाए और फोटोज़ खींचे। मॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आकर, पता रईसू। तो अभी मुझे यहाँ देखिए, इस तरीके के चॉपर्स मिले हैं, ऑनियन टमाटो वगैरह कट करने के, इसको इस तरह खींचना है। और ये अंदर बड़ा वाला है, 4 ब्लेडों वाला है ये,
और ये किस तरह का है? अच्छा, तो इसको इस तरह प्रेस करना है। वेरी कंफर्टेबल, इससे तो ये कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। और इसका प्राइसेस भी यहाँ पे लिखा है, स्पार प्राइस 199-299 का चॉपर है। ये कुछ ग्लासेस हैं, ये सारा ग्लासेस का रैक है। चलिए ट्राई करते हैं, कोई कौन सा वाला अच्छा लग रहा है देखते हैं। ये देखते हैं, हाँ तो ये अच्छा लग रहा है। ये कुछ नया मॉडल का है इस तरह का, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये टॉय सेक्शन में आ चुके हैं और है यहाँ पर डॉल हाउस पसंद आ गया है कुछ इस तरह का, ये देखिए। और एक उठा भी लिया है डैडी को, फ़ोन में वीडियो कॉल करके दिखा कर जो है मनवा कर एक ले लिया है यहाँ से डॉल हाउस। ऑलरेडी इसके किचन सेट सारा कुछ घर में पड़ा है, अभी फिर से एक ले रही है। ये देखो उठा के आ गई है कुछ इस तरह। तो ये देखो हमने ले लिया है, मुझे ये ट्रॉली मिली है। नीचे हम नहीं गए बड़ी ट्रॉली लेने के लिए, बच्चों को अगर लाएंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें पसंद आ जाता है और मनवा लेते हैं लेने के लिए। चलिए नीचे जाते हैं, बिलिंग करते हैं और स्पार से बाहर निकलते हैं। हम लोग अभी स्पार के अंदर हैं एलिमेंट मॉल के। तो यहाँ पर बिलिंग हो चुका है, रईसू को फाइनली मिल गया। बताओ रईसू, सामने आओ, खुश हो? हाँ? ओके चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, बिल हमारा हो चुका है। तो जो है सारा अपना किचन सेट जो डॉल हाउस लेकर आई थी उसको रेडी कर लिया है। ये वॉशरूम जाकर ऊपर था, ये किचन जाकर नहीं नीचे था। ठीक है, तो एक दो इसमें सो भी रहे हैं गुड़ा और गुड़ी। ये देखो इसमें देख कर बनाया, तुम्हें पसंद आया? दादी दादी। अच्छा, दो जने भी दादी दादी। अच्छा, दोनों दादियाँ हैं। और क्या है तुम्हारे घर में? ये दो चेयर है। हाँ। और एक चेयर, ये दो नीचे टीवी है, वो एक चैनल कुछ कुछ देखते हैं। ये है वॉशरूम और ये है टीवी करने का। पीछे आपको डोर बताती हूँ, बताओ। तो फाइन हम लोग देखिए कुछ ये हुआ है रईसू के डॉल हाउस का। बताओ डॉल हाउस आपका, सीधे से बताओ। इस तरह ये है हमारा डॉल हाउस। चलो खोलती हूँ, ये ओपन okay। और ये नीचे सी इसा। तो कुछ ये हुआ है डॉल हाउस रईसू का। अभी तुम्हें कैसा लगा अपना डॉल हाउस? खुश हो? हाँ। ओके तो चलिए, तो अभी होता है हमारा वीडियो एंड। हम लोग आ गए हैं अपने मम्मी के घर और रईसू का जो है डॉल हाउस तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा खुश है। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो कल हम एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।